पेश है हरियाणा की बड़ी खबरें। साधियों की यौन शोषण और हत्या के केस में कैद काट रहा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम की पैरोल का ऑर्डर सामने आया है। रोहतक के डिवीजनल कमिश्नर के ऑर्डर में पैरोल के लिए 8 शर्तें लगाई गई हैं। हालांकि इनमें राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग पर रोक का कोई जिक्र नहीं है। राम रहीम के गाना रिलीज करने पर भी पाबंदी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। राम रहीम हाल ही में रोहतक के सुनेरिया जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। डेरा मुखी इस वक्त उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम में रह रहा है। कोमल एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा सरकार निशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। प्रदेश भर में 13,700 निजी व रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने महिला अभ्यर्थी के साथ सहायक के तौर पर एक पारिवारिक सदस्य को भी मुफ्त परिवहन सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र तक लाने ले जाने के लिए हर जिले में DTC की जिम्मेदारी लगाई है। फतेहाबाद में ग्राम पंचायत से शहरी क्षेत्र में शामिल हुए आजाद नगर में गुरुवार को प्रशासन ने नशे के कारोबार में संलिप्त एक पिता पुत्र के मकान को ढा दिया। पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे नगर परिषद के कर्मचारियों ने मकान पर हथौड़े बरसाए। हालांकि मकान काफी पुराना हालत में था। अजविंदर सिंह और मलकीत सिंह पर नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। सेना भर्ती के नाम पर राजस्थान के झुंझुनू जिला के निवासी एक युवक से 3.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ठग गिरोह बिहार का बताया जा रहा है और शिकायतकर्ता एक रिश्तेदार की बदौलत उनके संपर्क में आया। अब पीड़ित अमन ने दादरी सदर थाना पुलिस को इस संबंध में शिकायत सौंपी है, क्योंकि रुपए का लेन देन थाना क्षेत्र के गांव समसपुर में हुआ था। पुलिस ने इस संबंध में 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यमुनानगर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में रंजीतपुर के पास तेज गति से आ रहे डंपर ने 55 साल की महिला को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। महिला की मौत का पता लगते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और हंगामा करते हुए जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और डंपर को कब्जे में लिया, लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।